हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हैं राज ब्लॉग चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरी हर एक अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए आज चलते हैं हम अपने गांव के प्लेटफार्म पे, आपको दिखाते हैं कि हमारे गाँव में एक प्लेटफार्म पर पुल बन रहा है और प्लेटफार्म भी बन रहा है। सो मैं ये खुशी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। सो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे गाँव के प्लेटफार्म पर। मैंने और भी एक दो वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, मैंने अपने गांव का प्लेटफार्म आपको कैसा है सो देख सकते हैं। पीछे ये खेतीबाड़ी है, ये मेरे गांव का पैदल का रास्ता है और बाइक का रास्ता एक फाटक पे होके है। तो चलते हैं प्लेटफार्म पे, दिखाते हैं आपको हम अपने गांव का जो पुल बन रहा है, जो प्लेटफार्म ऊंचा होके बन रहा है उल्ली तरफ और इस पार से उस पार जा रहा है पुल बन के। बहुत ही खुशी की बात है, ये काम हो रहा है। मैं दिखाता हूँ वहाँ पर क्या क्या सामान है और क्या क्या बन रहा है, लेबर है या नहीं है, सो मैं आपको दिखा दूँगा। चलिए चलते हैं वहाँ पर। दरअसल ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं जो मेरे गांव के हैं, वो तो उनको तो मालूम ही होगा कि बन रहा है, और जो मेरे गांव के लोग बाहर रह रहे हैं जैसे बम्बई दिल्ली और बहुत बहुत दूर नौकरी कर रहे हैं तो उनको शायद नहीं पता हो, तो मैं उनको लिए भी कह रहा हूँ। और जो मेरे सब्सक्राइबर बाहर के हैं ये उनके लिए भी है भाई, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सो ये खुशी आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूँ। सो मैंने कर दी, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं पहुँच चुका हूँ प्लेटफार्म पर। जैसे कि ये ट्रेन खड़ी हुई है, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ बैक कैमरे से। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये स्लीपर बनना है, ये स्लीपर लाइन से खड़े हुए हैं वहाँ पर, जो इस जगह खड़े होंगे इस जगह, जैसे वो डिपार्टर गाड़ी खड़ी हुई है वो चमक रहा है आपको, यहाँ से लेके और वहाँ तक के लिए ये खड़े होंगे। वहाँ तक ये कम से कम इतनी ऊंची हाइट जाएगी, आधा मीटर से कम। तो ये बनना है सीमेंट के, पहले एक सरिया का जाल बनाया गया है इसके अंदर, जाल बनाने के बाद फिर इस पर ये जो कट्टे डाल रखे हैं इन्होंने, ये डाल रखे हैं तरी के लिए, ये समरसेबल से तरी करते हैं। तो इसके अलावा जो ये इस पटरी के बराबर से खड़ा करेंगे लेवल से बिल्कुल ये, और इसके अंदर ये डालेंगे कुछ मलवा वगैरह जो ढलाई वलाई करेंगे। तो सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐसे बन रहा है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जो कहाँ से पुल उठ के और किस जगह जाएगा। पहले मैं इस पार से आपको दिखाऊंगा, फिर जाऊँगा प्लेटफार्म के बाहर, मैं वहाँ से भी आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। सो आप ये देख सकते हैं, और ये लेबर काम कर रही है हमारी, नहा रही है सब, ये बाहर के लोग हैं परदेसी यहाँ पर आए हुए हैं, ये नहा रहे हैं और ये ही लोग यहाँ काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं दिखाता हूँ आपको और भी कुछ, ये इसका फ्रेम है, ये लोहे का फ्रेम दिया गया है इसका, इसके अंदर ये ढलाई करते हैं, ये माल भरते हैं इसके अंदर, तो ये फर्मा तैयार होता है जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, और इसका जाल कुछ इस तरह से तैयार होता है जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये जाल है इसका, और वो जाल जो है डालते हैं इस लोहे के फर्मे के अंदर, उसके बाद घुसेड़ते हैं, ये मसाला भरते हैं इस चीज़ के अंदर से, ये भरा हुआ है, ये ताज़ी मसाला के देख सकते हैं आप, इसके अंदर भरते हैं ये मसाला, और ये रहा इसका जाल अंदर का, एक जाल लगभग इतना बड़ा होता है जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे से, ये कुछ ऐसा है, और ये है इस तरह के काफ़ी जाल हैं यहाँ पर बने हुए। और ये रही इनकी ढलाई मशीन जिससे कि ढलाई करते हैं, ये ड्रम रखा हुआ है मतलब पानी वगैरह का ये सब, और ऐसी ये कुछ इनका मटेरियल पड़ा हुआ है यहाँ पर इस जगह पर, ये है इनका मटेरियल, बजरी है, बजरफुट है, ये सामने देख रहे हैं जो पत्थर पड़े हुए हैं, ये सामने जो पत्थर पड़े हुए हैं आप देख रहे हैं, ये पत्थर पड़े हुए, ये यहाँ से उठ के पुल, और ये कुछ इस पार होता हुआ, और वो सामने जो दिख रहा है नगरिया सादात ये दिख रहा है, इसके ऊपर से जाएगा पाखड़ के इस तरफ को पुल जाएगा सीधा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि जैसे कि ये पत्थर पड़े हुए हैं सामने, यहाँ से पुल ऊपर उठ के ऐसे उठ के और ऐसे जाएगा इन तारों के बाद, वहाँ नगरी साहब का बोर्ड लगा हुआ है, इसके इधर से सीधा वहाँ जाकर रुकेगा, पहले बनेगा प्लेटफार्म यहाँ पर ये इतना ऊंचा होकर बनेगा, लगभग इतना ऊंचा होकर, एक मीटर ऊंचा इसके अंदर भरेंगे भरान, और ये दूर तक वहाँ तक ये भरने वाला है, ऐसा मैंने ये यहाँ के लोगों ने बताया है जो मज़दूर लोग काम कर रहे हैं। आपको दिखाया ये पत्थर कैसे बन रहे हैं और कहाँ लगेंगे और कैसे लगेंगे, मैंने आपको इस पार का तो दिखा दिया कि पुल यहाँ से उठ के वहाँ जाएगा, तो पल्ली तरफ भी जाकर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वहाँ क्या क्या सामान है, क्या बनना है और कहाँ उतरेगा आगे, मैं वहाँ से भी आपको बताऊँगा कि कैसे होगा। और ये लगभग काम चलने वाला है 2 से 2.5 साल, ये मतलब यहाँ के जो मजदूर मिस्त्री लोग काम जो कर रहे हैं यहाँ पर, ये उन्होंने मुझे बताया है कि लगभग 2-2.5 साल का काम है यहाँ पर और काफ़ी दिन चलने वाला है। पहले बनेगा प्लेटफार्म ये वाला, जैसे कि उस तरफ बना हुआ है, मैंने आपको दिखाया था उस तरफ बना हुआ है प्लेटफार्म के सामने, और ऐसी बनेगा यहाँ पर, यहाँ नीचे ये ज़मीन है, ये ऐसी यहाँ बनने वाला है ऊंचा करके, थोड़ा ऊंचा करके बनने वाला है ये,
तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगेगा, और सो ये खुशी अपने सब्सक्राइबर के साथ मुझे शेयर करना थी, सो मैंने कर दी। और प्लीज़ हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि हमारी हर एक अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचती है। तो फ्रेंड चलिए अब चलते हैं प्लेटफार्म के, ट्रेन के उस पार और जंक्शन के पार, जैसे कि मुसाफिर खाने के पार भी हम कह सकते हैं। चलिए आपको वहाँ चल के मैं दिखाता हूँ, मेरी मूवी यहीं पर ही एंड होती है फिर। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ इस प्लेटफार्म के इधर इस पार। ये हमारे यहाँ बना है नया, टिकट वगैरह यहीं बटेंगे, यहाँ कुछ ऑफिस वगैरह हैं, ये सब हैं ऑफिस, और यहीं पर ही बैठने वाले हैं सब टिकट। और ये मुसाफिर खाना हमारा पुराना है। तो फ्रेंड्स पुल उतरेगा इस जगह पे आके, ये आप देख रहे हैं खाली जहाँ मेरी उंगली है यहाँ उतरेगा वो पुल आके, यहाँ पर पुल उतरेगा आके। और ये हमारा पुराना मुसाफिर खाना है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये नगरिया सादात का मुसाफिर खाना है। आप दिल्ली से कहीं से भी टिकट अगर लेंगे तो हमारे नगरिया सादात के गांव के नाम से ही मिलेगा। कुछ सामान मैंने बताया था आपको, जैसे कि ये पड़ा हुआ है जरिया सरिया के जाल वगैरह, ये सब मिस्त्री लोग बना रहे हैं, यहाँ पर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ ये हमारे खट्टा है, देखिए कुछ इनके सिस्टम है अपन हैं, और ये हमारी लेबर काम कर रही है यहाँ पर, ये हैं। सो फ्रेंड्स मेरी मूवी यहीं पर ही एंड होती है, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।